क्या होता है, हम इसको जानने की आज कोशिश करेंगे। ऑब्सेशन कैसे हमें मजबूर करता है, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आपका माइंड है तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। जब आपका माइंड आपको उसके हिसाब से चलाने लगे तो आप ऑब्सेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्सेशन की, ओसीडी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो ऑब्सेशन में क्या होता है, पहले ये समझने की जरूरत है। तो मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको पता लग जाएगा ओसीडी क्या होता है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। तो ये प्योर वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। तो ओसीडी क्या होता है, हम इसको जानने की आज कोशिश करेंगे। ऑब्सेशन कैसे हमें मजबूर करता है, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आपका माइंड है तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। जब आपका माइंड आपको उसके हिसाब से चलाने लगे तो आप ऑब्सेशन ओसीडी हो गया। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा माइंड है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, कह सकते हैं आप, बट ऐसा होता है। मैं आज 5 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा कैसे होता है कि हमारा माइंड हमें चलाने लगता है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं उन 5 पॉइंट पे ये समझने के लिए ओसीडी क्या होता है। पहला पॉइंट, क्लीनिंग ओसीडी। अब आप कहेंगे क्लीनिंग ऑब्सेशन, क्लीनिंग तो अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं सफाई होनी चाहिए, हमें फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन अब आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप देख सकते हैं अपने नियर एंड डियर में या अपने कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा बिहेव करते हैं तो वो ओसीडी का शिकार हो चुके हैं। जैसे सोफा है, सोफे पे बैठे हैं आप, उसको बार बार झाड़ रहे हैं, उफ यहां मिट्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस सोफे पे कोई पड़ोसी आके बैठ गया, अब वो पड़ोसी उठ के चला गया, आपने तुरंत सोफे की शीटें चेंज कर दी, सारी शीटें गंदी कर दी, और गलती से वो आपके बेड पे बैठ गया तो बेड की शीट चेंज कर दी। तो ये ओसीडी के लक्षण है। और मेड ने पोछा लगाया, साफ सफाई होगी, आपने दो बार बोला और साफ कर दो, हो गया, फिर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, नहीं नहीं दोबारा साफ करो, मुझे साफ नहीं लग रहा। तो ये क्लीनिंगनेस की प्रॉब्लम है। और इसका सबसे आसान एग्जांपल है, आप अपने हाथ बार बार वॉश कर रहे हैं, आपको लग रहा हो मेरे हाथों में पता नहीं क्या हो गया है, स्मेल आ रही है, कुछ हो गया है, दोबारा जाके धोता हूं। और कभी कभी हम बॉडी को भी बार बार धोने की कोशिश करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को बार बार धोने की कोशिश करते हैं। ये सारा क्लीनिंग का जो ऑब्सेशन है, इसको क्लीनिंग ओसीडी बोलते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओसीडी कैसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क अल्कोहलिक होना। अब वर्क अल्कोहलिक बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं हम तो वर्क अल्कोहलिक, कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट आए हैं क्लास में, अब आपके ऊपर इतना प्रेशर है, जबकि आपको किसने नहीं बोला कि बेटा कोई बात नहीं फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाएगा, आपको फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना, आप उसी में लगे हुए हैं, और गलती से अगर आप फर्स्ट नहीं आ पाए तो आप एकदम नर्वस ब्रेकडाउन की तरह बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और फर्स्ट आना है उस चक्कर में आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये ऑब्सेशन। एम्प्लाइज हैं आप किसी कॉर्पोरेट कल्चर के, और वहां पे कॉर्पोरेट में जैसे मैं ट्रेनिंग वगैरह कराता रहता हूं, तो कॉर्पोरेट्स के अंदर एक कल्चर होता है कि वहां पे अवार्ड मिलता है, बेस्ट सेल्समैन, बेस्ट मैनेजर, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी के हर महीने के अवार्ड होते हैं। आप एक बार फर्स्ट आ गए, अब आपको ऑब्सेशन हो गया मेरे को हर बार फर्स्ट आना है। हर बार फर्स्ट आप प्रैक्टिकल भी नहीं आ सकते, थोड़ा समझिए, क्योंकि वहां सब लोगों को जो HR डिपार्टमेंट है बराबर लेके चलेगा, चाहे आप कितना भी बेस्ट कर रहे हो, दो लोग होंगे, कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होगा,
आप हेल्दी कंपटीशन की बजाय ऑब्सेशन में जा रहे हैं, बार 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 जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप ऑब्सेशन में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं, घर में एंगर दिखा रहे हैं, ओह मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई में बहुत जरूरी कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑब्सेसिव हो चुके हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, ऑब्सेशन ऑफ सेफ्टी। अब सेफ्टी का कंसर्न सबको होता है, बट कभी कभी हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ऑब्सेसिव कैसे होते हैं, हम घर के सारे दरवाजे खिड़कियां कई बार चेक करते हैं, सारे बंद है ना, ऐसा तो नहीं चोर प्रकट होके खोल लेगा ही नहीं, भगवान जी की तरह प्रकट हो जाएगा, नहीं होगा भाई चिंता मत करिए। दूसरा, गाड़ी का लॉक बार बार उसको खींच खींच के खुद ही तोड़ देंगे किसी दिन, इतनी बार खींच रहे हैं, ओहो गाड़ी बंद होगी ना, बंद होगी ना, तो ये सेफ्टी का ऑब्सेशन है। और इसी को आप जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा बहुत सारी चीजों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू कैन वर्क, यू कैन अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दैट। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑब्सेशन ऑफ बाइंग। ये बड़ा खतरनाक ऑब्सेशन है, और ये जो कहते हैं ना महिलाएं शॉपिंग बहुत करती हैं, ऐसा भी बोला जाता है, पर शॉपिंग तो कोई भी करता, क्रेज हो सकता है, बट ये ऑब्सेसिव लोग कैसे होंगे, पहचानेंगे कैसे। मान लो आप चार अपनी ड्रेसेस खरीद के लाए और घर में पहुंचते ही नई ड्रेसेस हैं, बिल्कुल आपने पहनी नहीं, उनमें से तीन आपने पहन ली, एक आउटरेटली रिजेक्ट कर दी, ये अच्छी नहीं है, जबकि आप ही खरीद के लाए, तो आपको बाइंग ऑब्सेशन हो गया है। दूसरा, आपने ड्रेस ले ली और एक बार पहनी और उसके बाद उतार के फेंक दी, नहीं नहीं ये बेकार है, मेरे को नहीं सूट करती, इसका रंग ही ऐसा नहीं है, बेकार है, कंपनी जितनी कंपनियों ने बनाई है सब में कमियां हो गई हैं, तो ये आपका बाइंग ऑब्सेशन है। खाने की चीज लाएंगे, थोड़ी सी खा के फेंक देंगे, छोड़ देंगे, जबकि आप बड़े चाव से लाए हैं, तो ये सारी चीजें ऑब्सेसिव हो रही हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिलेशनशिप का ऑब्सेशन, ये भी बड़ा खतरनाक ऑब्सेशन है। इसमें कभी ना कभी हम एक कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं, कुछ ही चीजों पे हम फोकस करने लगते हैं। जैसे सडनली आपको फोन आएगा, बताओ तुम कहां हो, वीडियो कॉल ऑन करो, मुझे बताओ तुम लेट क्यों हो गए, किस लिए हो गए, यहां तक ठीक है, उसके बाद ये आपकी बेडरूम लाइफ को भी खराब कर देता है, क्योंकि वहां पे जाके आप सिर्फ उन बातों के लिए झगड़ा कर रहे हैं जो यूजलेस हैं। तुमने 4 बजे फोन करना था, तुम 4:05 पे फोन क्यों किया, दिस इज सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली, व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, कल तुमने घर की सफाई क्यों नहीं की थी, अरे भाई कल क्यों नहीं की थी तो कल ही पूछ लेते हैं, आज क्यों पूछ रहे हो, तुम 15 दिन पहले ऑफिस से लेट क्यों आई थी, और ये सारी बातें कहां हो रही है, बेडरूम में, जहां की लाइफ को आपने हेल बना दिया है। तो आपको रिलेशनशिप का ऑब्सेशन हो गया, आप रिलेशनशिप से फियरिस्टिक हो गए हैं और डिटैच होने लगे हैं। रिलेशनशिप का वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ आएगा, वैलिडिटी वॉल पे अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पैनल पे, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके ऑब्सेशन में डाल रही हैं। और अगर आपको ऑब्सेशन हो गया है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सीरियस है, इसके लिए प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो जितनी जल्दी ये सिम्टम को आप लेके जाएंगे उतनी जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।